पीएम मोदी के इंटरव्यू को लेकर सियासत कम होने का नाम नहीं ले रही है। पीएम के बयानों को लेकर न सिर्फ विरोधी उन पर बरस रहे हैं बल्कि अपने भी हमलावर हैं। महाराष्ट्र में सहयोगी शिवसेना के बाद अब पटना साहिब से सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने भी पीएम मोदी पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने तो पूरे इंटरव्यू को ही स्क्रिप्टेड करार दे दिया। आगामी लोकसभा चुनाव से पहले कई मुद्दों पर बैकफुट खड़ी बीजेपी को बचाने के लिए पीएम मोदी ने नए साल पर इंटरव्यू देकर उन सभी मुद्दों पर बयान दिया जिस पर सरकार घिरी हुई है। लेकिन इस इंटरव्यू के बाद तो पीएम मोदी की परेशानी और बढ़ गई है। जहां कांग्रेस इसे खोदा पहाड़ निकली चूहिया बता रही है, तो वहीं दूसरी ओर अपने भी वार कर रहे हैं। अक्सर अपनी ही सरकार पर बरसने वाले सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने इंटरव्यू को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने तो ट्वीट कर इसे स्क्रिप्टेड करार दिया है। सिन्हा ने लिखा कि सर, हमने सोमवार शाम को आपके पहले से तैयार स्क्रिप्टेड अच्छी तरह से अध्ययन किया हुआ और पूर्वाभ्यास के साथ तैयार टीवी साक्षात्कार देखा। एंकर के प्रति पूरे सम्मान के साथ वंडर लेडी स्मिता प्रकाश, क्या यह आपकी छवि को बड़ा करने का समय नहीं था? जब एक सक्षम नेता बिना तैयारी के आपके निष्पक्ष प्रश्नों का जवाब देते। जहां शत्रुघ्न सिन्हा ने इस इंटरव्यू को पहले से तैयार बताया, तो वहीं दूसरी ओर पूछा कि वो पत्रकारों से मुखातिब क्यों नहीं होते। उन्होंने दूसरे ट्वीट में लिखा कि पहले सभी प्रधानमंत्रियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन सर आपने अपने 4.5 साल के कार्यकाल में एक बार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, क्यों सर? चलिए, सरकारी माइंडसेट के बिना एक असली पत्रकार के साथ और आपके राग दरबारी के बिना यह किया जाए। शत्रुघ्न सिन्हा ने आज विपक्ष के सुर में सुर मिलाते हुए पीएम मोदी पर सिलसिलेवार ट्वीट कर बड़े प्रहार किए। अब देखना होगा कि इन सवालों पर पीएम क्या जवाब देते हैं। डीबी लाइव की रिपोर्ट। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए यूट्यूब पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहां है खबरें लगातार।